जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी का दैनिक राशिफल लेकर। साथ ही आपको बताने वाला हूं किस ग्रह की पूजा करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको किस प्रकार से आज अगर संतान जन्म होने वाली है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा है या पुत्री संतान प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी मोमेंट में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर कमजोर महसूस कर रहे हैं तो जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसके खाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के च्यवनप्राश इत्यादि या कोई अन्य चीजों के लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उनका किस प्रकार से प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं, तो इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का ये राशिफल अवश्य देखते रहिए। जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी का अपना दैनिक राशि फल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। आज मंगल देवता राहु महाराज के साथ वृष राशि में विराजमान है। राहु महाराज वक्री हैं और मंगल के साथ मिलकर अंगारक योग का निर्माण करते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र देवता और केतु महाराज विराजमान है। केतु महाराज जो है वो चंद्र देवता को ग्रहण लगाते हैं, वो हमेशा वक्री ही मूवमेंट करते हैं। शनि देव बृहस्पति देवता के साथ मकर राशि में विराजमान है। यहाँ जो बृहस्पति देवता है वो नीच प्रभाव वाले हैं। बुध देवता अपनी चाल को बदलकर, अपने घर को बदलकर इस समय मीन राशि में जाकर विराजमान हो गए आज, और मीन राशि में आने के कारण वो नीच के हो जाते हैं। यहीं पर सूर्य देवता और शुक्र देवता विराजमान है। शुक्र देवता यहाँ पर उच्च के हैं और सूर्य देव अपने मित्र यानी बृहस्पति देवता के घर में विराजमान है। बुध देवता भी उनके मित्र हैं और इसका प्रभाव दूरगामी होगा हम सबके जीवन में। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपके बताने वाला हूं कि आप हमारी जो मोबाइल ऐप है उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी इस मोबाइल ऐप का नाम है, जिसके द्वारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अपनी विभिन्न परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं। साथ ही होली, दिवाली या आपकी बर्थडे इत्यादि पर मेरे बधाई संदेश आपको स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे, तो इसलिए इस ऐप को कभी भी डिलीट ना करें। साथ ही साथ जो भक्तगण, जिनको मान लीजिए अपने रत्न की राशि, रत्न की, भाग्य के रत्न की, आमन्नी के रत्न की, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर रत्नों की, अपनी पढ़ाई के रत्न की, अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करवाकर हमारे द्वारा जो साधना, हमारी साधना जो हम 32-32 सालों से साधना कर रहे हैं, उस साधना के व्यापार हम जो रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करते हैं आपके लिए विशेष रूप से बनवाकर आपके साइज के अनुसार, उन रत्नों की अंगूठियों को भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहे लिंक पर जाकर घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी अब हमारे द्वारा आप लोगों के लिए कर दी गई है। चलिए और अधिक समय न लेते हुए नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज है विक्रम संवत 2077, 1 अप्रैल सन 2021 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। परमपिता परमात्मा आज जो हमारे सबके लिए द्वार खोलने वाले हैं वो समय है 7:48 से लेकर 9:16 तक। इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना ये अवश्य याद रखिएगा। आज जो आप लोगों के लिए किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 12:01 से लेकर 12:51 दिन का समय है।
साथ ही साथ जो लोग जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि करते हैं उनके लिए जो समय बनेगा वो सुबह 6:12 से लेकर 7:46 तक या फिर 1:59 से लेकर 3:23 दोपहर का समय रहेगा। इसके अनुसार आप अपने जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि कर्मों को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, आप लोगों की वजह से हमारा जो सनातन धर्म है वो नित्य नई ऊंचाइयों को छूता हुआ विश्व गुरु बनने का मार्ग लगातार प्रशस्त कर रहा है, उसमें आपका अभूतपूर्व सहयोग आप सभी का वंदनीय है। मैं आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप इसी प्रकार सनातन धर्म के हर वीडियो को फेसबुक ट्विटर फॉल सनातन धर्म के हर जेन्युइन वीडियो को फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पिंटरेस्ट के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से नित्य प्रति पोस्ट करते रहें, शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों जानने वालों के साथ। और इन सब की वजह से ही ये जो हमारा दबाया हुआ प्रताड़ित किया हुआ जो सनातन धर्म है जिस पर 900 साल उन चंद मुस्लिम आक्रांताओं ने जो 200-300 की संख्या में घोड़े पर सवार होकर आए थे हमें 800-900 साल तक गुलाम बनाकर रखा, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, विभिन्न प्रकार के अत्याचार हम लोगों पर हमारे धर्म पर किए, उसके बाद एक जहाज में सवार होकर वो 200-400 अंग्रेज आए थे, उन्होंने 200 साल तक हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रखा, हमारे धर्म स्थलों को लूट कर चले ले गए। किंतु क्या वो हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर सके? नहीं, उसके पीछे कारण था आपके पूर्वजों का सहयोग। वो एक जगह कहीं ज्ञान की बात सुन के आते थे तो 100 जगह जा जाकर बताते थे कि हमने ये ज्ञान की बात सुनी है, और वही आज आप लोग कर रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के माध्यम से हमारी वीडियोस को आप पूरी दुनिया में लोगों के साथ शेयर करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं हमारे बारे में, जिसकी वजह से कभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर आती है इंटरव्यू लेने के लिए, तो कहीं बड़े बड़े देशों से धर्म गुरु अपनी अपनी परेशानियों के लिए हमसे संपर्क करते हैं। देश में भी विभिन्न समुदाय के विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न धर्म गुरु समय समय पर हमसे मदद लेते रहे हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो ये सब के पीछे मैं कारण नहीं हूं, या तो आप कारण हैं या ये परम पिता परमात्मा और नवग्रह देवता कारण है, जिनकी वजह से मैं लगातार सनातन धर्म से संबंधित जेन्युइन बातें करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। मैं कहीं हो सकता है मैं कहीं भूल चूक में गलत भी हो सकता हूं छोटी मोटी बात के लिए, ये तो मेरा ज्ञान है जो कई बार मुझे भी धोखा दे देता है कि जल्दबाजी में मुझे जो जन्म कुंडली वगैरह बना के दी जाती है तो कई बार उसमें ग्रह 19-20 कर देता है जो बनाने वाला होता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जन्म कुंडली का होता है उसमें ग्रह इत्यादि जो होते हैं उनको चेंज नहीं करना, भूल जाता है किसी वजह से रह जाती है, तो इस वजह से कई बार मिस्टेक हो जाती है। फिर भी मैं क्षमा प्रार्थना के साथ प्रारंभ करता हूं आज का यह राशिफल। मेष राशि वालों, आपके इष्ट व आपके जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं वो है मंगल देवता। मंगल देवता का आशीर्वाद अगर आपके सिर पर हमेशा बना रहे हैं तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। इसके लिए मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला विधि विधान के साथ नित्य प्रति करिए, साथ ही मंत्र सिद्ध की गई मूंगा रतन की असली अंगूठी धारण करिए और फिर चमत्कार देखिए आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार होते हैं। परिवारजनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, यहां बात करूंगा स्टूडेंट्स की, उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। और जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा।
तो मैं ऐसे सभी युवक युवतियों से कहना चाहता हूं, आप बार बार प्रयत्न करते हैं सरकारी नौकरी पाने का और निराशा हाथ लगती, तो क्यों नहीं एक बार जन्म कुंडली चेक करा लेते? क्यों अपने जीवन के अमूल्य साल खाली सरकारी नौकरी की इच्छा रखने पर खराब कर देते हैं और निठल्ले बन जाते हैं अंत में जाकर? जब दसियों साल तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो ना आप घर के रहते ना घाट के रहते, तो अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पहले ही जान लीजिए ना कि सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, और कमजोर योग है तो कैसे उसे मजबूत कर सरकारी नौकरी की क्यू में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। यहां बात करूंगा आपका जीवन साथी आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकता है, सावधान है, कुछ अनैतिक संबंध आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकते हैं, उसके प्रति भी सावधान है, आपको जीवन साथी के ऊपर या उन संबंधों के ऊपर अचानक से खर्चा भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी शादी के से संबंधित जो चर्चा चल रही थी वो खराब होने की प्रॉपर संभावना बनी हुई है, सावधान रहें। यहाँ पर आपके मानसिक रूप से आपको मन में दुखी रहेगा इस बात की भी प्रबल संभावना है। भाग्य के देवता निश्चित रूप से नीचे का होने के कारण आपको संपूर्ण फल नहीं देख सकेंगे, तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो भाग्य के रत्न की मंत्र सिद्ध अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार किस रंग की पहननी है, पुखराज में बहुत सारे रंग आते हैं, हर एक को हर एक रंग सूट नहीं करता, बैंड बजा देता अच्छे अच्छे लोगों की पुखराज। मैंने 27 एक्सीडेंट एक ही व्यक्ति के होते देखे हैं जिसे पता ही नहीं था, ये अलग बात है कि वो छोटे छोटे एक्सीडेंट थे, रोजाना वो एक्सीडेंट कर रहा था तब हार के मेरे पास आया। मैं एक सिख व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसे अमृतसर में किसी एस्ट्रोलॉजर ने पुखराज की गलत अंगूठी वहां से भिजवाई थी दिल्ली में, और जिस दिन से उसने वो अंगूठी धारण करी उसकी बैंड बजनी शुरू हो गई। तब वो भागा भागा मेरे पास आया, तब मैंने उसे समझाया कि भाई ये पुखराज आपका नहीं है, ये इस अंगूठी को लाओ, दो दिन के लिए मुझे दे दो, मैं इसे ठीक करता हूं। दो दिन की जगह वो 5 दिन बाद आया, बोला कमाल है आपने तो पता नहीं क्या किया ठीक करने के नाम पर, मेरा तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैंने कहा अभी इसे मत पहनना, ये पकड़ो अपनी अंगूठी, अभी इसे कभी मत पहनना गलती से, उसके बाद उसका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जरा सा एक गलत स्टेप भी आपको परेशान कर सकता है किसी ज्ञानी से। ध्यान रखिएगा मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है फ्रॉड एस्ट्रोलॉजरों से कैसे बचे, उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देख लेना, बहुत ज्ञान देगा आपको। कार्यस्थल के हालात शनिदेव के आशीर्वाद से निरंतर उन्नति की तरफ ले जाएंगे, किंतु सावधान रहें बृहस्पति का यहाँ पर बैठा होना और खराब होना आपके लिए परेशानी का सबब ना करें। आमदनी के हालात भी आपकी मेहनत के अनुसार ही आपको फल प्रदान करेंगे, किंतु खर्चे के घर में बैठे हुए 3-3 ग्रह जहां पर सूर्यदेव शुक्रदेव और अब नीच के हो गए बुद्ध देवता भी जमा हो गए, निश्चित रूप से आपके खर्चे का बैंड बजा देंगे और आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो लोन और कर्जे के गुस्से डूबे हुए हैं बिना किसी झिझक के, स्क्रीन पर आने नंबरों पर हमसे संपर्क करके उस कर्जे के दलदल से बाहर निकलने में हमारी मदद ले सकते हैं। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ऐसे सभी युवक सूखते हैं जो प्रेम संबंधों में परेशान है या शादी ना हो पाने से परेशान है, बिना किसी चीज के हमसे संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने का भरपूर प्रयास करेंगे। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों देखो राहु महाराज और मंगल देवता का आपके सिर पर बैठकर अंगारा के योग का निर्माण करना, आपका ही बैंड बजा रहा है, आपका ग्रह तो कहीं आसपास भी नहीं है, तो शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करना और हीरा या उसका उपरतन ओपल नहीं पहनना, हाई क्वालिटी का अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं, केवल और केवल मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत होगा तभी आपको फायदा देगा। लोगों को मंत्र सिद्ध करना नहीं आता है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना, किसी साधना करने वाली व्यक्ति से ही वो कराना। अगर आपको चाहिए तो हमारे यहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी देरी किए, मैं खुद आपकी अंगूठी को सुनार से बनवाकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कर अपने हाथों से आपको भेज दूंगा। बात करना चाहता हूं स्टूडेंट्स के बारे में, वो सभी स्टूडेंट जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा अब, क्यों? क्योंकि उनका जो बुध ग्रह है वृष राशि वालों का वो नीच का हो गया है,
जिसके परिणाम स्वरूप वो पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो जाएंगे। अभी तक जो सब कुछ अच्छा चल रहा था अब वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो साथ ही साथ खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो युवक युवती हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, सफलता, कोई प्रमोशन बन चाहे, ट्रांसफर, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता, इंटरव्यू में सफलता, या सरकार की तरफ से अन्य कोई बेनिफिट प्राप्त होकर आपकी जीवन को खुशियों से भर सकता है। मौके को हाथ से मत जाने देना, मौके पे चौका मारना ही कामयाबी की पहली निशानी है। बात करूंगा जीवन साथी के बारे में, तो आपका जीवन साथी अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो कुछ बात चल रही है। अपने ग्रह को मजबूत करने से, अपने भाग्य को मजबूत करने से आप तेजी से अपना जीवन साथी प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो विवादों से बचे अपने जीवन साथी के साथ, घर में अशांति नहीं फैलने दें। अगर अशांति है तो मुझे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर याद करें, मैं आपकी मदद करूंगा आपके घर में शांति लाने में, सुख और शांति सौभाग्य की वर्षा करवाने में। मैं परमपिता परमात्मा से भी गुजारिश करूंगा, छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देंगे। यहाँ बात करता हूँ आपके भाग्य में बैठे हुए शनिदेव आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बृहस्पति देवता का नीचे का हो जाना भाग्य में थोड़ी सी अड़चन भी दे सकता है। सावधान रहिएगा, धर्मगुरु का अपमान गलती से भी मत करना, किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान कर दिया तो धन संपत्ति स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अपने भाग्य के रत्न की अंगूठी सदैव पहन के रखो, अपने राशि रत्न की अंगूठी के साथ, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। और साथ ही साथ कार्यस्थल के हालात में भाग्य बहुत मदद करेगा आपके कार्यस्थल को सुधारने में, इंप्रूव करने में, और आपको निरंतर तरक्की देने वाले। आमदनी के घर में सूर्यदेव और शुक्रदेव तो अच्छे होकर बैठे हुए हैं, किंतु बुध का यहाँ नीच का हो जाना कुछ आमदनी के हिस्से को खराब भी कर सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को संतान प्राप्ति की संभावना है उनको पुत्र और पुत्री संतान दोनों में से एक ही प्राप्त हो सकती है उनके ग्रह के आधार पर। जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होगा तो पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, शुक्रदेव का मजबूत होगी तो पुत्री संतान की प्राप्ति होगी। और दोनों ही ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है और आज आपको संतान होने वाली है ना, तो ट्विन प्राप्त हो सकती है, यानी एक लड़का एक लड़की, ऐसी संभावना बनती स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं। किंतु सावधान भी रहिएगा, बुध का नीच का होना कहीं विपरीत प्रभाव भी दे सकता है। बुध का घर है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए संतान प्राप्ति के रास्ते में, इस बात का विशेष ख्याल रखना। बुध का नीच का होना यहाँ आपको विपरीत फल दे सकता है। प्रेम संबंधों में भी विकार आ सकता है, तो ऐसे सभी लोग जो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आने नंबरों पर मुझसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। पुलिस वालों से कभी भी अटकने और झगड़ने की जरूरत मत करना, वरना आपको परेशानी होगी आपके गलत कर्मों के कारण। कानून व्यवस्था चलाती है पुलिस, वरना तो ये उपद्रवी एक दिन भी आपको सही सलामत नहीं रहने देंगे अगर कानून व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो। पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए हमेशा रक्षा करते हैं, अपनी जान पर खेलकर रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। यहाँ बात करने वाला हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, गलती से भी पुलिस वालों से मत झगड़ना। आप अपनी कुंडली में अगर आप पुलिस वालों से झगड़ेंगे या उलझने का प्रयास करेंगे, आपको दंडित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे होंगे। पुलिस तो हमारी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, और कानूनी व्यवस्था को चलाती है। अगर आप उसी से उलझेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो दंडित होना तो आपके लिए लाजमी है। तो सावधान रहिएगा, अपने राशि रतन की अंगूठी तुरंत धारण करिए। बुध देवता नीच के होंगे, कहीं विपरीत प्रभाव में लपेट लेंगे तो आपको बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर बात करने वाला हूं मैं आपके माता के बारे में। माता से अटकने और झगड़ने का प्रयास मत करना। साथ ही साथ बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई लिखाई में मन लगाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से
अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आप फोकस पढ़ाई लिखाई पर करिए, क्योंकि इस समय आपका पढ़ाई लिखाई पर किया गया फोकस आपके कैरियर को बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। जो युवक युवती हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो खुशखबरी है ही, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू सफलता सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट कंप्लीट एग्जाम में सफलता मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन ऐसी सूचना उन लोगों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी नौकरी में है उन सभी लोगों को प्राप्त होने की संभावना बनती है कि तुम अपने आप को और अपने भाग्य को मजबूत रखेंगे तभी ये स्थिति होगी, वरना तो यूं करके हाथ से बाहर निकल जाएगी, यानी आपको छूते हुए चली जाएगी, आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, खाली ठनठन गोपाल बने रह जाएंगे प्रभु। तो अपने भाग्य को और अपने आप को मजबूत करना, बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना विधि विधान के साथ। विधि विधान जिसके पास नहीं है, स्क्रीन पर आ रहे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो की में आप मुझे मेल करिए, मैं आपको भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां आपके शत्रु आपको भेंट बजाने की तैयारी कर रहे हैं, सावधान रहिएगा, शत्रुओं से बच के रहिएगा, अपने मन को दुखी होने से बचाइएगा, मन दुखी रहेगा और कहीं गलती से कोई सांस से संबंधित बीमारी कोरोना की महामारी के दौरान आपको ना लग जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना, वरना सीधा ऑपरेशन की संभावना जाके बन जाएगी। यहां पर आपके जो जीवन साथी का ग्रह है वो उचित नहीं है आपके लिए, तो इस समय अगर आपके कोई रिश्ते की बात चल रही है तो वो खराब होने की प्रॉपर संभावना बनती है। साथ ही साथ जिन लोगों को संतान प्राप्ति की संभावना है उनको सुख, उनको पुत्री संतान प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, शेयर करूंगा कि जो लोग अभी तक शादी नहीं हो पाई है, परेशान है शादी ना हो पाने से, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रॉपर उपाय करें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, अवश्य ही फायदा होगा। आधे अधूरे या फ्रॉड व्यक्तियों से पूछे गए उपाय, ढोंगी और पाखंडियों से पूछे गए उपाय आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं। यहां पर भाग्य के देवता का अष्टम हो जाना और साथ में ही बृहस्पति देवता का वहां पर नीच का होना आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। किसी मृत्यु का समाचार, चोरी इत्यादि की घटना, ठगी इत्यादि की घटना घट सकती है, सावधान रहिएगा। यहाँ पर भाग्य के रत्न की यानी नीलम की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से रंग का नीलम धारण करना है तभी धारण करना, वरना बैंड बजा देगा, इसका नाम नीलम है। कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही होने की संभावना है। शुक्र देवता प्रशस्त कर रहे हैं, मान सम्मान दिलवाने की बात कर रहे हैं, सूर्य देवता वहां पर बैठकर आपको सरकारी नौकरी के लिए चांस बना रहे हैं, किंतु बुद्ध देवता का नीच का होना कहीं कार्य को खराब ना कर दे, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आमदनी के मालिक का खर्चे के घर में जाकर बैठ जाना और आपकी बैंड बजाना आपके लिए भारी परेशानी का सबब बन सकता है। तो जो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं या कर्जे को उतारने के लिए एक और कर्जा ले लेते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा आमदनी बढ़ाइए, कर्जा मत लीजिए, आमदनी बढ़ाइए, अपने आप को मजबूत करिए, भाग्य को मजबूत करिए। कैसे नहीं आपका कर्जा उतरेगा, अगर फिर भी परेशानी है आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका कर्जा उतरवाने में आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जादुई उपायों से फायदा पहुंचाऊंगा। प्रेम संबंधों को लेकर आगे बढ़ रहे लोग अपने प्रेम संबंधों की मदद से अपने कैरियर का भरपूर निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आपकी राह आपका कैरियर देख रहा है, मेहनत से जी जान से लग जाइए कैरियर बनाने के लिए। फिर भी जो लोग प्रेम संबंधों को लेकर निराश है बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि समय चल रहा है आपका मन थोड़ा सा दुखी तो रहने ही वाला है, क्योंकि आपका अपना ग्रह केतु के साथ जाके बैठेगा तो मन तो दुखेगा ही दुखेगा। किंतु यहां पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो लोगों को संतान प्राप्ति की संभावना, पुत्री संतान प्राप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, साथ साथ मिसकैरेज के भी चांस है, आज अगर संतान प्राप्त होनी है तो विशेष रूप से ख्याल करिए। हालांकि मंगल देवता सामने से बैठकर पुत्र संतान प्राप्ति में मदद कर सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद अगर काम आ गया तो फिर पुत्र संतान भी प्राप्त हो सकती है, किंतु दोनों ही स्थिति में संतान खराब होने के चांसेस भी साथ साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत केयरफुली करिएगा, जी जान से प्रयास करिएगा कि आपकी संतान अगर आज होने वाली है तो वो खराब ना हो।
जैसे कि हालात बता रहे हैं। साथ ही साथ बात कर रहा हूं सभी निसंतान दंपतियों की जिनको बार बार मिसकैरेज होता है। ऐसे सभी दंपत्ति बिना किसी चीज के कुछ छोटे से उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के करके अपने जीवन में संतान रूपी खुशियां बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जिन लोगों को गर्भधारण नहीं होता उन लोगों से कहना चाहूंगा भाई दोनों मियां बीवी अपनी जन्म कुंडली वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे चर्चा करके दिखाओ, मुझसे चर्चा करो, मैं आपको मदद करूंगा। अगर परमपिता परमात्मा ने आपके जीवन में संतान योग बनाया है 2-4% भी, तो उस योग को मजबूत करके आपको संतान दिलाने के लिए जी जान से प्रयास करूंगा और आपकी मदद करूंगा। यहां बात करना चाहता हूं अगर आपके रिश्ते की कोई बात चल रही है तो रिश्ते की बात मैच्योर होने की संभावना बनी हुई है, किंतु बृहस्पति देवता को यहां पर मना देना नहीं तो वो नीच के होने की वजह से कहीं रास्ते में अड़कर ना डाल दे। जीवन साथी आपको भरपूर मदद करेगा, आपके जीवन में खुशियां घोलने का प्रयास करेगा, किंतु मानसिक रूप से दुखी होने के कारण आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही साथ भाग्य की बात करूं, भाग्य में बैठे हुए बुद्ध जो नीच के होकर आए हैं, सूर्य और शुक्र जो ठीक है अपनी अपनी जगह पर मदद करेंगे भाग्य को मजबूत करने में, तो भाग्य को के माध्यम से लाभ उठाई हुए अपने राशि रतन की अंगूठी यानी चंद्र देवता के राशि रतन की अंगूठी और चंद्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करिए। आप उनके अंश हैं चंद्र देवता के, तो चंद्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला विधि विधान के साथ, विधि विधान हमें ईमेल करिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, हम आपको भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मंगल देवता का आमंदनी के घर में बैठ जाना यानी कार्यस्थल का मालिक अगर आमंदनी के घर में बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी आमंदनी वृद्धि होगी। साथ ही साथ वो सभी युवक युवती जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के जीवन में नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट इंटरव्यू सफलता कंप्लीट एग्जाम में सफलता सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मनचाह ट्रांसफर प्रमोशन इंक्रीमेंट इत्यादि के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पे चौका मार के इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, हाथ से ना निकल जाए, फिर मत कहना गुरु जी ने बताया नहीं था समय पर, मेरा काम चेताना है, चेताता रहूंगा, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। जो स्टूडेंट इस समय पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएंगे तो कैसे अपना कैरियर बनाएंगे? कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई में मन लगाना बहुत जरूरी है, और आपका मन तो दुखी है, ऊपर से झगड़ा करने को आते हो, लड़ाई झगड़े में ज्यादा लगा हुआ है, सावधान रहिए। अगर आपका बच्चा या आप स्वयं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे कैरियर बनाएंगे, तो अपने कैरियर के ग्रहों को मजबूत करिए, उसमें आ रही रुकावटों को दूर करिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये जादुई उपाय जो हैं गारंटी से फायदा करते हैं, मैं गारंटी देता हूं पूरी दुनिया में कि अगर आपके बच्चे का पिछली बार से ज्यादा नंबर ना आए या उसका मन पढ़ाई लिखाई में ना लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे गारंटी से लिखवा के ले जाइए, हर साल पहले से आपका नंबर ला के देगा, आप खुद कहेंगे हाँ वो पढ़ने लगा है, उसका मन पढ़ाई लिखाई में लग गया है। मगर उपाय तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बताऊंगा जो साल में एक बार या तीन साल में एक बार करने होते हैं, और आपके जीवन में आपके जो स्कूलों की मोटी मोटी फीस देते हैं ना उससे बहुत सस्ते पड़ते हैं, आप यूज करिए और लाभ उठाइए। आमंदनी कर्म स्थान का मालिक आमंदनी में बैठ जाएगा, आमंदनी बना रहा है किंतु राहु वहां पर विस्फोटक स्थिति बनाते हुए कहीं आमंदनी को खराब ना कर दे, इस बात की प्रबल संभावना है, सावधान है, सतर्क रहिए। प्रेम संबंध में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके जीवन में खुशियां भर सकते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके आप लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्ति के बारे में, सिंह राशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह अष्टम है, अब वहां पर बुद्ध देवता भी वहीं वहीं जाकर अष्टम होकर बैठ गए, साथ में सूर्य आपके ग्रह देवता सूर्य भी मतलब शुक्र देव यानी अपने दुश्मन के साथ है, तो स्थिति का आंकलन करें तो आप कमजोर हो गए, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कैसे करें? एक तो आपने सूर्य देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करनी है विधि विधान के साथ, विधि विधान मुझे ईमेल करिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, इस वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूंगा। दूसरा रूबी की अंगूठी माणिक्य की अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करिए, मंत्र सिद्ध अंगूठी आपके जीवन में बहुत लाभ देगी।
साथ में भाग्य और अमनी के रतन की अंगूठी पहन लोगे तो चार चांद लग जाएंगे आपकी किस्मत में। अजमा के तो देखना, लेकिन ये मंत्र सिद्ध होंगी तभी ऐसा संभव होगा। और मंत्र सिद्ध अंगूठी घर बैठे आप मेरे यहां से, मेरे खुद के द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठी, जो विधि विधान से पूर्ण स्वच्छता से किसी विशिष्ट सुनार से बनवाई जाती है, आप घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं बात करने वाला हूं, माता से झगड़ा मत करना, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, सावधान रहना। माता का आशीर्वाद, पिता के आशीर्वाद के साथ बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, इतनी मोटी मोटी फीस स्कूलों की देते हो, अरे उसके बच्चे को मन लगाने का तो प्रबंध कर दो। मन स्कूल वाले नहीं लगा सकते पढ़ाई लिखाई में, पढ़ा लिखा सकते हैं जिसके लिए आप बहुत मोटी फीस देते हो, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा तो क्या करोगे? बच्चा पढ़ा ले, जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है याद नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं, अगर सनातन धर्म में जन्म लिया है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक बार उपाय कर लेना, जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं, आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। इसीलिए तो चाहे टॉप 10 लीडर्स के नाम देख लो, टॉप 10 एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लो, टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लो हिंदुस्तान के, उन सब ने रत्नों की अंगूठियां, उन सब में से बहुत सारे लोगों ने रत्नों की अंगूठियां मंत्र सिद्ध कराकर धारण की हुई होती है। आप उनके बहुत सारे नए पुराने फोटो गूगल पर सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएंगे, हर एक किसी के हैं, नहीं है तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये सब लोग कैसे आगे बढ़ गए इतना आगे? इसमें उनके ग्रहों की रत्नों की अंगूठियों का बहुत बड़ा योगदान था। आप भी ऐसा करके लाभ उठाइए, देर किस बात की है? अगर आप के रिश्तों की बात चल रही है तो वहां पर जो बात है वो खराब हो सकती है, संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर आप ऑलरेडी शादी शुदा है तो जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में सावधान रहिए। अपने घर से अशांति को बाहर निकालिए, सुख शांति और सौभाग्य का प्रवेश कराइए। दोनों नियम भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करो, बहुत ही आनंद आएगा, आपके घर का नक्शा ही बदल जाएगा। जो घर काटने को दौड़ता था वहां खुशियां ही खुशियां बिखरी मिलेंगी। अजमाकर तो देखो मेरे भाइयों, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करो, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। जो लोग ऑलरेडी शादी शुदा उनके जीवन साथी के साथ, उनके जीवन साथी की स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, सचेत रहिएगा, वरना प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सभी युवक युवतियों से कहना चाहूंगा, क्यों भूसके ढेर में लट मचा रहे हो? अरे जन्म कुंडली दिखाकर जान तो लो आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जिंदगी में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वैसे अपने जीवन के 2, 4, 6, 8, 10 साल तक मैंने खराब होते हुए देखे लोग, 10 साल से सरकारी नौकरी चिल्ला रहे, ना घर के रहे ना घाट के, सरकारी नौकरी मिली नहीं, प्राइवेट में अभी कोई रखता नहीं, व्यापार करने के लायक पूंजी थी नहीं। अरे अगर शुरुआत में ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले एक बार जन्म कुंडली दिखाकर पता तो कर लो कि सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वैसे ही उसके देर में लठ बजाने में लगे हुए जहां कुछ हासिल हो ही नहीं सकता, और सरकारी नौकरी में कौन से लड्डू रखे हुए? हमारा गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई 1800 करोड़ रुपए साल कमाता है या उससे भी अधिक कमाता है। सरकार कौन सा तुम्हें दे कुछ देने वाली है? आज प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी 5 ही लाख रुपए साल है, यानी 60 लाख रुपए साल की तनख्वाह है केवल। सुंदर पिचाई 1800 करोड़ रुपए कमाता है। आप कौन सी दुनिया में रहते हो? अभी पेप्सी की सीईओ 55-60 करोड़ रुपए ले रही थी मैडम, अब तो शायद वहां से वो जा चुकी है साल के। पता नहीं कौन सी दुनिया में सरकारी नौकरी का भूत तुम्हें किसने कह दिया, क्या निठल्ले बनने का योग बना रहे हो या सरकारी दमाद बन के मतलब भ्रष्टाचार फैलाने की फसल काटना चाह रहे हो? क्या रखा है सरकारी नौकरी में आजकल? कुछ भी नहीं है। आईएएस पीसीएस को भी 90-95 हजार रुपए से स्टार्टिंग मुश्किल से मिलती होगी, जबकि प्राइवेट नौकरी में थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो 1-1.5 लाख रुपए तो बड़े आसानी से स्टार्टिंग में मिल जाती है। मेरे बेटे को खुद ही मिली है अभी 24 साल की एज में एमटेक करने के बाद, फर्स्ट जॉब उसकी लाइफ की, सीधा ही उसे
बहुत मोटे पैकेज के साथ जॉब मिला है। उससे पहले मैं कहता था बेटा आईएएस पीसीएस के तुम मटेरियल हो, तैयारी करो, मैं तुम्हें मजबूत कर देता हूं, तुम आईएएस आईपीएस में कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हो, तुम लायक हो। कहता पापा हम पागल हैं जो सरकारी नौकरी करेंगे। और उसे सिद्ध करके दिखाया। दूसरे बेटे से भी कहा, मैंने कहा सीए कर लो। कह रहा नहीं पापा सीए नहीं बनना है, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करूंगा। आईआईटी में 701 रैंक लाकर उसने मेरे सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और अभी फोर्थ ईयर का छात्र है, अभी गवर्नमेंट ने भी उसे स्कॉलरशिप दी है, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो हैकाथन यानी 72 घंटों का जो कंटिन्यूस वर्क होता है, टीम वर्क होता है, उसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला 1,00,000 रुपए का। अभी नवंबर की बात है, नवंबर में आयोजन हुआ था, और रफली मेरे को याद है अक्टूबर नवंबर में आयोजन किया गया था, तो उसमें से 1,00,000 रुपए का प्राइज किया। अभी पढ़ रहा है, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर का। साथ ही साथ वो 1,80,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप ले रहा था, इंटर्नशिप सॉरी, एक कंपनी से 1,00,000, एक कंपनी से 80,000। फोर्थ ईयर का स्टूडेंट इतने पैसे ले रहा है तो क्यों आईएएस आईपीएस बनना चाहेगा, क्यों आईआरएस बनना चाहेगा, उसे नहीं समझ में आएगा ये कभी। और आपको सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी बोल लूं। बात करूंगा, आपके शत्रु आपकी बैंड बजाने में लगेंगे, आपके घर पर आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपकी बैंड बज रही है। सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, आमंदनी के देवता को आप मनाते रहिएगा, अपने भाग्य को मजबूत करिएगा, निश्चित ही आपकी उन्नति होगी। प्रेम संबंधों में आ रही निराशा को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न करिएगा। संतान प्राप्ति के योग है पुत्र संतान के, लेकिन वो खराब ना हो जाएंगे, उसके चांस बने हुए हैं, तो बहुत ही सावधान रहना, बृहस्पति देवता को मना लेना, बृहस्पति देवता की तन मन धन से पूजा करना, जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। देवगुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला नित्यपति करना आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां दे सकता है। प्रयास करिएगा, लाभ उठाइएगा। बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि मैं आपसे कहना चाह रहा था, आपका अपना ग्रह अब नीच का हो गया है, बैंड तो बजेगी बजेगी। जितना अपने आपको पन्ना रतन की अंगूठी पहनकर बुद्ध देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करके आप लाभ उठा सकते हो, उठा लो, वरना समय उल्टा हो गया है। आपका अपना ग्रह अगर नीच का होगा तो बुरे ही फल देगा। भाई बहनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करना, माता से भी अटकने की कोशिश मत करना, जीवन साथी से भी अटकने की कोशिश मत करना। बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की, फोकस करो पढ़ाई लिखाई पर। हालांकि गलती से भी किसी धर्म गुरु को अपमान करना आपकी पढ़ाई लिखाई की सारी तपस्या को भंग कर देगा। पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो। जो स्टूडेंट युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी नौकरी या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, इंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं, या मन चाहे ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, तो उनको उसका जीवन साथी जो है बहुत लाभ पहुंचा सकता है, खुशियां दे सकता है, तो उस प्रकार का लाभ उठाकर खुशियां लाने का प्रयास करिएगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पुत्र संतान प्राप्त करा सकता है, लेकिन खतरा भी वहां पर मौजूद करा रहा है, तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। यहाँ पर जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देवगुरु बृहस्पति को मना लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्रवेश करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बात करूंगा, भाग्य में मंगल और राहु का योग विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है, तो सावधान है, सतर्क रहें। विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अपने भाग्य के देवता को अवश्य मजबूत करें, राहु महाराज को की पीड़ा को दूर करें, मंगल देवता की पीड़ा को दूर करें, नहीं तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल होने की संभावना नहीं है, तो वहां पर भी सावधान है, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आमदनी को से कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। आमदनी आपकी खराब ना हो जाए इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंधों में खुशियां लाने के लिए भी भगवान शनि की कृपा दृष्टि होनी आपके ऊपर जरूरी है। भगवान शनि की कृपा दृष्टि को लेकर अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करिएगा। शनिदेव, मेरा नाम महेंद्र है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जब से गुरुजी ने मेरे को एक अंगूठी दी तो मेरे को बहुत फायदा हुआ, मैं बहुत ही परेशान चल रहा था, तो एंड ऐसा हुआ जब गुरुजी के संपर्क में आया तो मेरी
परेशानी भी दूर हुई और मैं अपना ज़मीन भी ले लिया हूँ, वो भी फाइनल होने वाली है। एंड ये कि मैं कुछ आगे सोच रहा था, वो भी मेरी अच्छी जॉब लगने वाली। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि गुरु माँ और गुरु जी से एक बार संपर्क जरूर करें। करने के बाद में मुसीबत का सामना जो है वो गुरु जी हल निकाल देते हैं। गुरु माँ बात करूँगा तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना ग्रह निश्चित ही बीमारी के घर में बैठकर आपको कमजोर कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी लूज हो रही है, बिल्कुल इसी को इम्यूनिटी लूज कहना कहते हैं, अंतर्बल में कमी आ जाना। तो शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करिए ना, देवताओं का ही तो पूजन कर रहे हैं, डायरेक्ट फल मिलेगा। मुझसे पूजा कराओगे तो फल मुझे मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने लिए पूजा ना करूं, आपके लिए कहां से करूंगा, मतलब मैं अपनी खैर छोड़िए, मेरा मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की उपमाला विधि विधान के साथ करेंगे, विधि विधान फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मुझे ईमेल करके प्राप्त कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा। साथ ही साथ शुक्र देवता के रतन यानी हीरा, हीरा यानी सिंगल पीस हीरा, सिंगल पीस बोले तो कम से कम 1 कैरेट के आसपास का हीरा तो आपको पहनना ही चाहिए, नहीं है तो 70-75 सेंट का तो हीरा पहनिए आप, तब तो उसके फल आपको प्राप्त हो पाएंगे। मंत्र सिद्ध होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित जागृत होना चाहिए, नहीं तो उपरतन की अंगूठी ओपल मत पहनना, अमेरिकन डायमंड ज्यादा फायदा करेगा, डायरेक्ट फायदा करेगा, बशर्ते ये सब चीजें मंत्र सिद्ध हो। और नहीं मिल पा रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्ट ऑर्डर कर दीजिए अपना साइज बता के, या फिर आप हमें ईमेल करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन करिए। मैं खुद आपकी रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध करके ही आपको भेजूंगा, ये गारंटी है मेरे यहाँ, कभी भी झूठ नहीं बोला जाता इस सिलसिले में। भगवान शनिदेव जो सामने विराजमान है साक्षी है इस बात के, कि अगर मैं अपने जीते जी जो भी अंगूठी आपको दूंगा वो मेरे द्वारा ही मंत्र सिद्ध होगी, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई होगी, जो मेरी 20-30-32 साल की तपस्याओं का प्रतीक है। तो आप अवश्य फायदा उठा सकते हैं। जिन परिवारजनों से झगड़ा करने का प्रयास मत करिए, वरना मन प्रॉपरली दुख जाएगा। और माता का आशीर्वाद शीघ्रतःशीघ्र आपको एक मनचाहा मकान या मनचाहा वाहन दिलाने में समर्थ हो सकता है। अपने ग्रहों को मजबूत करिए, अगर आपको अपना मकान नहीं है या अपना वाहन नहीं है, अपने ग्रहों को मजबूत करिए, देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा आपको आपका मकान। मैंने पता नहीं कितने लोगों को उनका मकान उनके वाहन दिलवाए हैं, आपने रिव्यूज देखे होंगे, लोग बोलते हैं यहां से लेकर इटली तक बोलते हैं कि गुरु जी की आशीर्वाद से हमें मकान मिला। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या दे सकता हूं, वहां से अगर इटली से कोई वीडियो बना के भेजता है कि मेरे को फायदा हुआ, फ्रांस से वीडियो बना के भेजता, जर्मन से वीडियो बना के भेजता, साउथ अफ्रीका से वीडियो बना के भेजता, अमेरिका इंग्लैंड से वीडियो बना के भेजता, ऑस्ट्रेलिया से वीडियो बना के भेजता है, तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, लाभ उठाइए। यहां बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो वो सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों में हैं, अपनी माता के सलाह मानकर चलेंगे तो अवश्य प्रेम संबंधों में लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां भर सकते हैं। बात करूंगा उन सभी युवक युवतियों जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा ऐसे सभी स्टूडेंट्स, जो प्रमोशन की चाह रख रहे थे, ट्रांसफर की चाह रख रहे थे, इंक्रीजमेंट की राह देख रहे थे या सरकारी नौकरी की इच्छा रख रहे थे, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से एक ही बात कहना चाहता हूं, एक बार जन्म कुंडली दिखा दो, अगर कोई रास्ते की रुकावट है तो उसे दूर कर लो, तेजी से आगे बढ़ जाओगे आप अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए माता का आशीर्वाद इस समय बहुत काम आने वाला, माता का आशीर्वाद देकर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को इस समय स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, लंग्स की प्रॉब्लम, छुआछूत की प्रॉब्लम, गुरु देवता यहीं पर आ गए नीच के होकर, या बृहस्पति देवता लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, तुला राशि वालों सावधान रहना, एक साथ 3-3 ग्रह अटैक करेंगे तो आप कहां जाओगे। बहुत जरूरी है ऐसे ही आपके शत्रु भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, शत्रुओं से भी सावधान रहिए।
आपका जीवन साथी अगर नहीं है तो जीवन साथी के साथ जो रिश्ते बन रहे थे, जीवन साथी बनाने के लिए जो रिश्तों की बात चल रही थी, वो भी खराब होती नजर आ रही है। समय प्रतिकूल होता है तो ऐसा ही सारे रिजल्ट आते हैं। लोग जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा तो उनके घर में वाद विवाद शुरू हो जाएगा, अशांति अशांति ही अशांति, सर्वम दुखम दुखम की प्राप्ति होगी। अगर आप मजबूत होंगे, मजबूत कैसे बनेंगे, अपने राशि रतन की अंगूठी पहनकर, अपने भाग्य की रतन की अंगूठी पहनकर, अपने कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी पहनकर, अपने जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी पहनकर, अपनी आमन्नी से संबंधित रतन की अंगूठी पहनकर। निश्चित ही अगर ये अंगूठियां मंत्र सिद्ध हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। परम पिता परमात्मा और समस्त नवग्रह देवता स्वयं आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए मुझ जैसे लोग एक एक हाथ सात सात अंगूठियां एक साथ धारण करके लाभ उठाते हैं, अपने जीवन में खुशियां लाते हैं। और मुझे ही क्यों देखते हो, ये एकता कपूर नाम की जो मैडम है जो बहुत सारे सीरियल्स बनाती है, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या नहीं पहना हुआ है, क्या क्या नहीं पहनती हैं वो अपने भाग्य में को प्रबल बनाने के लिए। निश्चित रूप से उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। हालांकि मैं उनके द्वारा दिए जा रहे सीरियल जो स्टोरीज होती है उसका घोर विरोधी हूँ। वो जो दिखा रही है वो हमारे समाज पर विपरीत प्रभाव डालता है। मैं यहाँ बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने के रास्ते पाने के लिए आपको उपाय कर लेने चाहिए, और देर करेंगे तो आपको नुकसान की ही प्राप्ति होगी। यहां मैं बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, गुस्सा तोड़ फोड़ ये सब आपके अंग ना बन जाए, मन बहुत दुखी रहेगा आपका। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, परिवारजनों से भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। भाई बहन आपको फुल टू फुल सपोर्ट कर रहे हैं, किंतु देव गुरु बृहस्पति का अपमान करना कहीं आपको परेशानी का सबब ना बन जाए। तो अपने राशि रतन की अंगूठी, साथ ही साथ मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां धीमे धीमे करके ला देगा। विधि विधान के साथ करना है, इस डिस्क्रिप्शन में से ईमेल ले ली पर ईमेल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट विधि विधान भेज दूंगा। माता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला है, माता से आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको खुशियां मिलने वाली है। नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू सफलता, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, मनचाहा ट्रांसफर, इंक्रीजमेंट, प्रमोशन जैसी खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा, आप कमजोर हैं। इसलिए मैंने बोला था मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला नित्य प्रति करो, जिंदगी भर करोगे तो भी फायदा ही फायदा है, आपका कुछ नुकसान नहीं है। 15 मिनट लगते हैं टोटल मिला के, ध्यान लगा के करना बस। उस समय पप्पू के पराठे या बबलू को स्कूल ड्रॉप करना मत याद रखना। यहां मैं बात करूंगा जिन लोगों को अभी तक जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अपने ग्रहों को ठीक कर लें ताकि शीघ्रता से आप खूबसूरत सा जीवन साथी पाकर अपने जीवन को धन्य बना सके। ये शादी के लड्डू हैं, वैसे इतने मीठे भी नहीं होते, कभी कभी कड़वे भी हो जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। आपके लिए स्पेशली वृश्चिक और वृष राशि वाले थोड़ा प्रॉब्लम तो रहती है, फिर भी अगर शांति से परेशान हो तो घर में शांति, सुख और सौभाग्य लाने के लिए आप मुझे याद कर लेना। वीडियो इन स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के माध्यम से जरूर खुशियां पहुंचा दूंगा आपके घर में। यहाँ पर बात करूंगा भाग्य के देवता परेशान है, दुखी है। अब भाग्य के देवता ही परेशान होंगे तो निश्चित रूप से मन तो दुखेगा, भाग्य में भी कमजोरी आएगी। तो भाग्य के देवता को मनाते रहिए, कार्यस्थल को हमेशा मजबूत करिए, कार्यस्थल के मालिक मजबूत होंगे तभी तो खुशी आएंगी, तभी तो इनकम घर में आएगी, लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा। बुद्ध देवता जो आमदनी के देवता, उनका नीच का होना प्रॉब्लम का कारक है। तो अब आपने क्या करना है, अपने राशि रतन की, भाग्य के रतन की, जीवन साथी के रतन की और आमदनी के रतन की अंगूठी तो कम से कम धारण करनी ही करनी है। भाग्य के देवता को भी ठीक कर लेना है। ये अंगूठियां मंत्र सिद्ध पाठ से जागृत होनी चाहिए, तब बहुत फायदा करेंगी। अगर आपने मेरा फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर के बारे में, पाखंडी के बारे में वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्ञान देगा, और जो दुनिया भर में आप ठगे जाते हैं उनसे आपको बचा सकेगा। और इस वीडियो की जितनी पब्लिसिटी करना ताकि हर एक के कानों में ये बात पहुंच जाए, वो ठगे जाने से बच जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। यहां बात करूंगा उन सभी लोगों को जिनको संतान प्राप्ति की संभावना है, उनको
पुत्र संतान और पुत्री संतान दोनों ही संतानों का योग इस समय बना हुआ है, तो जो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होगा वो ही संतान आपको प्राप्त होगी। और दोनों ही ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हो तो पिंड संतान भी आपको प्राप्त हो सकती है, जुड़वा संतान के माता पिता बनने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करिएगा, हालांकि प्रेम संबंध खराब होते जा रहे हैं, नए रिलेशन नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, नई संभावनाएं आ सकती हैं। अब आपने ही सोचना है करना क्या है। बात करना चाहता हूं धनु राशि वाले व्यक्ति के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्ति, आपका ग्रह नीच का है, अब बुध भी नीच का है, चंद्रमा भी नीच का हो गया है, तो एक साथ तीन तीन ग्रह जब नीच के होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो अब इस स्थिति से निपटने के लिए आप अपने राशि रत्न की अंगूठी मंत्र सिद्ध कराकर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा रंग सूट करेगा वैसे पहननी है, नहीं तो बैंड बच जाती है। साथ ही साथ बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नेतिपति विधि विधान से करें, विधि विधान हमें ईमेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे माल पा लें, परिवारजनों से अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, भाई बहन भी आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता से थोड़ा सा सावधान रहें, झगड़ा ना करें, माता का ख्याल रखें। साथ ही साथ माता का आशीर्वाद आपके जीवन में नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू सफलता कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या प्रमोशन इंक्रीमेंट मनचाही ट्रांसफर जैसी सूचना दे सकता है। लाभ उठाइएगा मौके पर चौका मार के, जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्यों इतनी मोटी मोटी फीस स्कूलों की दे रहे हो। अरे मेरे एक छोटा सा उपाय करा के छोटे स्कूल में भी पढ़वा लेना, बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, अपने कैरियर की तरफ दौड़ पड़ेगा। गारंटी देता हूँ इस बात की कि गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपके बच्चे का मन जो इधर उधर भटकता रहता है वो पढ़ाई लिखाई में लग जाएगा। जीवन साथी की बात अगर आपके जीवन में चल रही थी तो वो बात खराब होने की तरफ जा सकती है, किंतु अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो घर में अशांति आ सकती है। अब आपका ग्रह नीच का और जीवन साथी का ग्रह नीच का तो कलेश तो होगी होगी, टकराव तो होगा ही होगा ग्रहों का, तो अशांति आ जाएंगी। अशांति को भगाने के लिए एक बार हमारे साथ मिलकर प्रयास करिए दोनों मियां बीवी, हम आपके घर में अशांति मैडम को नहीं रहने देंगे, सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा आपको करवा के रहेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय बहुत काम आते हैं, करवा के तो देखिए। यहां पर बात करूंगा आपके भाग्य की, तो भाग्य के देवता का निश्चित रूप से माता के आशीर्वाद से आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य के देवता अपना आशीर्वाद आपको देंगे और पिता का आशीर्वाद आपके कार्यस्थल पर आपकी मदद करेगा। हालांकि वो कार्यस्थल का ग्रह तो नीच का है, फिर भी पिता के आशीर्वाद लेकर ही कार्यस्थल पर जाना, चाहे नौकरी करते या व्यापार करते आपको बहुत लाभ होगा, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा आपका काम, जो भी काम करेंगे उल्टा होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आमंदनी के मालिक भी माता के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे, तो उनका भी ध्यान रखना, माता के आशीर्वाद से अपनी आमंदनी में वृद्धि करने का भरपूर प्रयास करना, आपको अवश्य लाभ होगा। जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में, उनको भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय से अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। कोई मुर्गे की उल्लू की या बकरे की बलि नहीं होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो एक साल या तीन साल तक आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं, उनको करने से बेहद लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर वाले भी शादी के लिए नहीं मानने तो वो भी मान जाते हैं, उनसे संबंधित उपाय करके अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य करना, नहीं तो विपरीत हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। गलती से भी किसी पुलिस वाले से झगड़ा करना आपके लिए भारी परेशानी का सबब बन सकता है, इस बात का विशेष ख्याल रखना। यहां बात कर रहा हूं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके सिर पर ही बैठे हुए हैं चंद्र कुंडली में बृहस्पति देवता और शनि देवता, शनि देवता का पूरा पूरा आशीर्वाद है, फिर भी उनको और अधिक मजबूत करने के लिए बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की और शनि देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नेतिपति विधि विधान से करें। विधि विधान ईमेल से के डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है, उस पर हमें रिक्वेस्ट करिए, हम भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपके भाई बहन की वजह से आपके जीवन में, उन सभी युवक युवतियों के जीवन में या उन नौकरी करने वाले लोगों के जीवन में
या व्यापार करने वाले लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू, सफलता, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या व्यापार में उन्नति के चांस बने हुए हैं, उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। भाई बहनों का ख्याल रखिएगा। यहाँ माता का आशीर्वाद लेकर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। हालांकि हालात अच्छे नहीं है तो ऐसे सभी माँ बाप अपने बच्चों के प्रति केयरफुल रहें जो मकर राशि के हैं। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो करियर कैसे बनाएंगे? बड़े स्कूलों में पढ़ाने से करियर नहीं बनता, वो तो हर स्कूल के 10-12% बच्चे अपना करियर बना लेते हैं जो 90% से प्लस लाते हैं। मैं बाकी बात कर रहा हूँ 40-50-60-70% लाने वाले बच्चों के बारे में, उनका करियर कैसे बनेगा? अरे आप बनाओगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय बनाएंगे, करिए ना एक बार, देर किस बात की है, करके जान करने में क्या जाता है, एक बार अजमाइए। मैं तो लिख के गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे को या आपको जरूर फायदा होगा। चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, सीए के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, या एमबीबीएस एमडी करने की तैयारी कर रहे हो, या सुपर स्पेशलिटी की तैयारी कर रहे हो, मैं उन लोगों को भी मदद पहुंचाता हूं। और मेरे पास तो नर्सरी के बच्चे भी आते हैं या सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी इस बात के लिए आते हैं। ये दरबार है भगवान शनिदेव का, हर एक किसी के लिए खुला हुआ है। कोई भी आके घर बैठे भी वीडियो कॉल के माध्यम से लाभ उठा सकता है, देर किस बात की है। नंबर ही तो मिलाना है, मिलाइए, अपॉइंटमेंट रखिए, मैं आपको अवश्य मदद करूंगा। यहां पर बात करना चाहता हूँ, जीवन साथी का मन बहुत दुखी रहेगा, सावधान रहना, उनका ख्याल रखना, परेशानी हो रखी है उनको और उनकी वजह से आमदनी ना खराब हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। भाग्य के देवता का भी बीच का हो जाना आपके भाग्य में प्रॉब्लम ला सकता है, भाग्य के देवता को मजबूत करिए। नीलम रतन की अंगूठी और पन्ना रतन की अंगूठी पहनकर, कार्यस्थल के देवता को मजबूत करिए, कार्यस्थल के देवता की अंगूठी पहनकर, यानी डायमंड या उपरतन की अंगूठी पहनकर, रामन्नी की रतन की अंगूठी पहनकर, मंगल देवता की अंगूठी पहनकर अपने आप को मजबूत करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मंत्र सिद्ध अंगूठियां जीवन बदल देती हैं, एक बार अजमा की तो देख लेना, फिर आप हमेशा याद रखोगे कि गुरु जी ने जो शिक्षा दी थी वो मेरे जीवन को बदल गई, मेरे घर में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों को प्रयोग किया, जो मेरी रिसर्च नहीं है, जो हमारे संतों, ऋषि मुनियों, महात्माओं ने जो वर्षों घनघोर तपस्या की, जिसे आज हम रिसर्च कह सकते हैं, तो उस रिसर्च के माध्यम से जो फॉर्मूले बनाए थे, जो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित हैं। अरे हमारे तो ये फॉर्मूले भी अंग्रेज और बाकी लोगों ने चोरी कर ली है, हमारी हस्तलिखित जो पांडुलिपियां थी वो सब गायब हो गई, जो कुछ बचा खुचा है उसी से काम चलाइए। तो भरपूर मदद मिलती है, आप करके देखिएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए भी बुद्ध देवता को ठीक करना बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि वालों, आपके प्रेम संबंधों से संबंधित ग्रह जब नीच का हो जाएगा कैसे काम चलेगा? साथ ही साथ आपका ग्रह तो 12th हो गया है राशि से, बृहस्पति देवता भी नीच के हैं, तो अपने राशि रतन की अंगूठी और शनि देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना विधि विधान से। विधि विधान ईमेल के माध्यम से आप बिना किसी यज्ञ के प्राप्त कर सकते हैं, लाभ उठाइएगा। परिवारजन आपको भरपूर मदद दे रहे हैं, साथ ही साथ खुशखबरी ला रहे हैं सभी युवक युवतियों के लिए, नौकरी व्यापार करने वाले लोगों के लिए, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू सफलता, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन या व्यापार में उन्नति के भरपूर चांस बनेंगे। परिवारजनों की मदद से लाभ उठाइएगा। माता से अटकने का, झगड़ा करने का प्रयास करना आपको बहुत नुकसान दे सकता है। पिता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आ सकता है इस समय। कार्यस्थल पर जाने से पहले पिताजी के आशीर्वाद लेकर ही कार्यस्थल पर जाना, वहां किसी से झगड़ा मत करना, मन फिर भी दुखेगा, सावधान रहना। तो स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, इस बात का विशेष ख्याल रखें। माता पिता पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो करियर कैसे बनेगा? मेरे गारंटी वाले उपाय का लाभ उठाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा परिवार परिजनों की मदद से आपके जीवन में एक खूबसूरत जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, लाभ उठाइएगा। वाद विवाद नुकसान दे सकता है, वाद विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके जीवन में परिवारजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और साथ ही साथ भाग्य देवता के आशीर्वाद भी आपको परिवारजनों के माध्यम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल के हालात को और अधिक ठीक करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, तो पिता का आशीर्वाद इसमें बहुत काम आएगा। मंगल देवता के रतन की अंगूठी और
बृहस्पति देवता का आशीर्वाद आमदनी बढ़ाने में काम आएगा। इनका आशीर्वाद लेकर लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करें, अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। साथ ही साथ बात करना चाहता हूं मैं उन सभी लोगों से जो पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं कोरोना के वो दिन जहां माँ बाप बनकर पुलिस वाले उन सभी भूखे लोगों का पेट पाल रहे थे, खुश अपने जीवन को दांव पे लगाकर आप लोगों को प्रसाद बांट रहे थे सरकारी, और आप इतने नाशुक्र हो कि आपको मैंने, आप में से किसी को मैंने थैंक यू बोलते हुए या उनको नमस्कार करते हुए नहीं देखा। कितने नाशुक्र लोग, ये तो हालात वो थी जब मैं खुद भी जब आप लोगों को मास्क और फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उन पुलिस वालों के साथ मिलकर, मुझे भी शायद ही एक आदि व्यक्ति ने थैंक यू या नमस्कार बाबा जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। अब क्या बोलूं मैं आपकी भ्रष्ट बुद्धि को, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मीन राशि वालों अपने ग्रहों को थोड़ा मजबूत करें, आपके राशि के मालिक नीच के हैं उनकी तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला विधि विधान के साथ नित्यपति करना, ईमेल से विधि विधान ले लेना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। साथ ही साथ पुखराज के रतन की अंगूठी मंत्र से तो प्राकृतिक जागृत कराकर धारण करना बहुत फायदा होगा। आपकी मेहनत की बदौलत आपके लिए चांस बनना है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू में सफलता, कंपिटेटिव एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट बन जाए, ट्रांसफर प्रमोशन या व्यापार में उन्नति के चांस है, लाभ उठाइएगा। आपका ग्रह कमजोर नहीं होता तो ये काम 101% हो जाता। यहाँ पर भाई बहनों से झगड़ा मत करना, आपको विपरीत प्रभाव मिलेगा। माता से झगड़ा करना आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता, माता की बेइज्जती करना, माता से गालियां खाना आपको बहुत नुकसान देगा, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान दें किस लिए आप उनको पढ़ा रहे हो, इतनी मोटी फीसें दे रहे हो जब बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। अपने इम्यूनिटी बूस्टर को अपने बच्चे को दीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दीजिए, गारंटी है मेरी फायदा करेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जादू ही है जो बच्चे का मन भी पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और साथ ही साथ हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलवाते हैं, इस बात की मैं खुद लिख के गारंटी दूंगा आपको। और बोलिए आप क्या क्या चाहिए, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा धर्म बता दिए जहां इस तरह की गारंटी को देने को तैयार हो। ये हमारे सनातन धर्म की महान परंपरा है, हमारे संत और ऋषि मुनियों की खोज है जो आज आपके काम आ सकती है। लाभ उठाइएगा जी भर के, मन को दुखी मत होने दीजिएगा, कार्यस्थल के हालात को खराब मत होने दीजिएगा, प्रॉब्लम आ रखी है कार्यस्थल पर तो यहाँ पर बृहस्पति देवता की मदद बहुत जरूरी है। आमदनी में फिर भी आपको मदद मिलेगी किंतु आमदनी खराब ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आपको परेशानी आ सकती है, मन दुखी हो सकता है, तो अपने मन को संभाल के रखिएगा ताकि आपके प्रेम संबंधों में खुशियां ही खुशियां बरसे। यहां बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति चांस है उन सभी युवक युवतियों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या प्रमोशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम या इंक्रीजमेंट की राह देख रहे थे, तो ऐसे सभी लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू इंटरव्यू सफलता कंप्लीट एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, मनचाहा ट्रांसफर प्रमोशन इंक्रीजमेंट, ऐसी कोई सूचना मिल सकती है। ग्रैब करिएगा, मगर आपका अपना ग्रह देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं आपकी जन्म कुंडली में, यहाँ पर जो इस समय की पोजिशन है तो उनका नीच का होना आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, अपने आप को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। भाई बहनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, परिवारजनों से भी उलझने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा। माता का आशीर्वाद कहीं माता से आशीर्वाद लेने के चक्कर में माता से झगड़ा मत कर लेना, वरना आपको माता के ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा करना पड़ सकता है। यहां मैं बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में। आपका जीवन साथी अगर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो जो रिश्ते की बात चल रही थी वो खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में 36 का आंकड़ा बन सकता है, अशांति आपके घर में प्रवेश कर सकती है। सावधान रहिएगा, अपने जीवन अपने घर में खुशियां लाने का प्रयास करिएगा। भाग्य के देवता अचानक से आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, कर्म स्थान पर आपको निराशा हाथ में लगेगी क्योंकि कर्म स्थान का मालिक नीच का है, तो उसको मजबूत करिएगा चाहे नौकरी प्रमोशन में, व्यापार में
आपको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, साथी कर्मचारी या बॉस आपको प्रताड़ित कर सकता है, जो भी करें सावधानी पूर्वक करें। आमदनी के हालात फिर भी उत्तम रहेंगे तो आप अपनी आमदनी को सहेज कर रखने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से इस समय मौके पर चौका मार के अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। चांस बना हुआ है, अगर आप इस समय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध शादी में बदल सकते हैं, उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।